स्टॉक इन द न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्टॉक इन द न्यूज में जो इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था, जो प्रीवियस वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, डाबर का जो एक स्टॉक था उसमें हमने एक इंट्राडे सेटअप यहां पर सेट किया था सप्लाई एंड डिमांड का एनालिसिस करते हुए। तो आज ये प्राइस ओपन हुआ 503.55 को और इसने एक हाई बनाया 503.55 का और उसके बाद ये स्टॉक लगातार नीचे की ओर आते रहा। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा है जो इसके पहले हमने अपलोड किया था इसी प्लेलिस्ट में, तो 30 मिनट्स के चार्ट में और 5 मिनट के चार्ट में हमने यहाँ पर एक डिमांड जोन ड्रॉ किया था ब्लू रेक्टेंगल से। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि यहाँ पर हमने बताया था कि 492 से लेके तो 489 तक यहाँ पर एक 30 मिनट का डिमांड जोन है और 495.50 से लेके तो 493.90 तक एक 5 मिनट का डिमांड जोन है। कुछ पैसे आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे ये स्टॉक ओपन हुआ और ये गिरता हुआ चला आया और इसने लो बनाया 491 का। यहाँ पर देखिए इसने 503 से ये नीचे आया और इसने 491 जो हमारा 5 मिनट्स का डिमांड जोन था, इस चार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि अभी आप क्लियरली देख सकते हैं ये स्टॉक ऐसे ओपन होते हुए 503 से गिरा, नीचे आया, इसने 5 मिनट का जो डिमांड जोन तो उसको तोड़ते हुए ये 30 मिनट्स के डिमांड जोन में एंटर हुआ। और जैसे ये 30 मिनट्स के डिमांड जोन में एंटर हुआ तो यहाँ पर मेरे हर वीडियो में बताता हूँ कि 5 मिनट्स के चार्ट पे जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन ना मिले तब तक एंटर नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड इस डोजी के साथ में, हैमर बना है, इस हैमर के साथ में ही यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल चुका था। तो हमें इस कैंडल पे 493.60 से लेके तो 492 तक हमें यहाँ पर एंटर होना था विद स्टॉप लॉस 490.80 का। तो स्टॉक यहां से ऊपर गया और फिर उसने सेकंड यहां पर बाइंग का, फिर 30 मिनट्स के चार्ट में हमें यहां पर एक अपॉर्चुनिटी दी। यहां पर अगर सेकंड पोजीशन चाहे तो 491.16 से लेके तो 492.50 तक हम यहां पर फिर से उसमें एंट्री ले सकते थे। और उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक को अगर 493 पे भी बाय किया होता आपने विद द स्टॉप लॉस ऑफ 490.80 का, तो इसने 93 से लेके एक हाई बनाया है 496 का। तो यहाँ पर 3 रुपीज का इंट्राडे का प्रॉफिट पोटेंशियल था और अभी भी इस स्टॉक में प्रॉफिट पोटेंशियल है। ये अपने पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में 503 तक का ये टारगेट अचीव कर सकता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।